हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष आसनसोल, वेस्ट बंगाल से, रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से। फ्रेंड, मैंने अभी से कुछ दिन पहले नाची के 5 kVA स्टेबलाइजर का रिव्यू किया था, ऑटो कट वाले मॉडल का, और उस पर बहुत भाई लोगों ने कमेंट किया कि सर, इसके जो बड़े स्टेबलाइजर्स आते हैं, 8 kV, 10 kV, 15 kV, उसका रिव्यू करिए। तो आज अपना जो वीडियो है वो 8 kVA नाची के ऑटो कट वाले मॉडल के ऊपर है, और इसके बाद अपना 10 kV, 15 kV जो सर्वो कंट्रोल आता है, इस पे भी अपना धीरे धीरे वीडियो आएगा। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये दाची का 8 kV स्टेबलाइजर है। आज हम लोग इस वीडियो में इस स्टेबलाइजर की रिव्यू करेंगे, साथ ही हम लोग प्राइस डिटेल्स की डिस्कस करेंगे कि इसका प्राइस कितना है, हमें अपने मार्केट में कितने में मिल सकता है। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल फ्री है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अभी फिलहाल सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लोज लुक दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, और इस मीटर में आपको वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पियर तीनों आपको देखने को मिलेगा, और आपको जो भी चीज़ इसमें कंटिन्यू देखना है उसको, अगर लाइक वोल्टेज है, ये मैं प्रेस होल्ड कर दे रहा हूँ, कंटिन्यू 232 ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब आउटपुट का जो सप्लाई है आपको वही देखने को मिलेगा। और अगर आप इनपुट देखना चाहते हैं तो प्रेस इनपुट जब आप करेंगे तो 232 इनपुट है और 232 ही इसका फिलहाल आउटपुट है। उसका रीज़न ये है कि अभी मैंने एक पे रखा है और ये हाई पे है, जब आप स्टेबलाइजर ऑन करेंगे तो ये हाई पे होना चाहिए और ये 1 पे होना चाहिए, और आप जनरेटर पे चलाएं या ग्रिड पे चलाएं, जिस पे चलाएंगे आप वो पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही जब यहाँ पे पावर आता है तो आपको मेंस ऑन देखने को मिलता है। ये जब आपका इसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो आपको इसमें एक बजर सिस्टम मिलता है जो कि एक अलार्म जनरेट करता है, जिससे आपका ध्यान अगर इधर उधर भी हो तो आपका ध्यान इस पे कंसंट्रेट हो जाए कि मेरा बजर अभी बज रहा है, अगर मैं उसको वोल्टेज को डाउन नहीं करूँगा तो ये स्टेबलाइजर मेरा ऑटो कट हो जाएगा। तो आपको उस वक्त ये वोल्टेज कम कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे आपको दाची की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और इस साइड आपको 16 एम्पियर का सॉकेट देखने को मिलता है, यहाँ पे MCB ऑन ऑफ आपको देखने को मिलता है, और ये केबल देख सकते हैं, ये बहुत ही हेवी क्वालिटी का केबल है, और कैरी करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल्स मिलते हैं। अब मैं इसके साइड व्यू की बात करूँ अगर, तो साइड व्यू में आपको दाची की ब्रांडिंग मिलती है, ISO सर्टिफाई कंपनी है ये, और माइक्रो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है, यहाँ मॉडल नंबर है RPS 8130PA। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 kVA का स्टेबलाइजर है। इनपुट वोल्टेज अगर मैं वर्किंग की बात करूँ, 130 वोल्ट से ये वर्क करना स्टार्ट करता है, और अगर मैं मैक्सिमम वोल्ट की बात करूँ तो 280 वोल्ट तक इसका मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। आउटपुट अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो आपको इसमें 200 से लेके 250 वोल्ट आउटपुट मिनिमम टू मैक्सिमम 200 से 250 देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉबिन पावर सिस्टम, न्यू दिल्ली का प्रोडक्ट है ये, 100% कॉपर है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये हल्का है, भाई हल्का नहीं है, एक्चुअली स्टैंडर्ड जो वेट होना चाहिए वो आपको इसमें देखने को मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको बारकोड में नंबर मिलता है, तो आप उस नंबर को अपने इस जो इसके साथ जो कार्ड आता है उसके साथ आप इसको मैच कर लीजिए। रीज़न ये है कि ये 1 साल वारंटी के साथ आता है, इंक्लूडिंग GST बिल के साथ आता है, तो प्रोडक्ट आप जहां से भी ले इंक्लूडिंग GST लें। साथ ही इस साइड आप देख सकते हैं एक परमानेंट पंचिंग मिलती है जो कि दाची का है, और इसका लुक दूसरे स्टेबलाइजर्स के मुकाबले बहुत ही हटके है। फ्रेंड्स, अब आप बात करेंगे कि आप दाची का ही वीडियो क्यों बना रहे हैं। एक्चुअली ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका भी रीज़न है, इसका भी आंसर मेरे पास से देखिए। हम लोग जो स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी इक्विपमेंट परचेस करते हैं ना, तो वो हम लोग देखते हैं कि सुटेबल है कि नहीं। लाइक अगर हम लोग कोई माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तबले के लिए या फिर बांसुरी के लिए, तो हम लोग उसको भी देखते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, किस कंपनी का है। तो वैसे ही हम लोग जब स्टेबलाइजर परचेस करते हैं तो स्टेबलाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ऑडियो सिस्टम में। अगर पावर का फ्लक्चुएशन होगा या फिर पावर की फ्रिक्वेंसी आपको सही नहीं मिलेगी तो आप लाख सिस्टम लगा ले, पावर आपका फेलियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये स्टेबलाइजर आपको रिकमेंड करता हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दूसरे स्टेबलाइजर्स में जब आप इस रेगुलेटर को घुमाएंगे
तो आपको वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो लगभग 20 वोल्ट से 30 वोल्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो वेरिएशन है ओनली 3 वोल्ट का है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और एक बात है कि ये जो आइटम है ये ऑडियो इक्विपमेंट के लिए डिज़ाइन है, और दूसरे स्टेबलाइजर्स स्पेशली ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो ऑडियो इक्विपमेंट के लिए डिज़ाइन है। तो जब हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को इतना अच्छे से चुन चुन के परचेस करते हैं तो स्टेबलाइजर में हम लोग अपने साइड से चूक क्यों करें, है ना? तो आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है वो बहुत ही अच्छे से सोच समझ के लेना है। और ये स्टेबलाइजर मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बहुत भाई को ये स्टेबलाइजर दिया है, अभी तक इसमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कुछ पीसेस में इसमें कंप्लेन आता भी है, अभी तक नहीं आया है, तो कंपनी का जो है रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा है। 1 ईयर वारंटी में आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हैं, कंपनी आपको स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टेबलाइजर प्रॉब्लम करेगा तो आप इसको लोकल किसी मैकेनिक से खुलवा सकते हैं, हल्का फुल्का अगर कोई प्रॉब्लम है आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, और अगर इसका ट्रांसफार्मर का इशू है तो आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी आपके साथ ऑलवेज टच में रहेगी, ऐसा नहीं है आफ्टर सेलिंग सर्विस का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट का सेलेक्शन बहुत ही अच्छे से लेना चाहिए कि हमें क्या लेना है नहीं लेना है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ इस स्टेबलाइजर की वेट की। तो ये स्टेबलाइजर आपको अप्रोक्स 25 kg के अप्रोक्स देखने को मिलता है, जो कि एक स्टैंडर्ड 8 kVA का स्टेबलाइजर 25 kVA है, मतलब ठीक ठाक है, वो कम नहीं है, ना ही उसमें कहीं एल्यूमिनियम यूज़ है, 100% कॉपर है। मैंने इसको खोला था और इसका जो मेन ट्रांसफार्मर है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की, जो हमारे वीडियो का सबसे मेन टॉपिक होता है, प्राइस। तो ये स्टेबलाइजर आपको अप्रोक्स 13,000 से लेके 14,000 के बीच ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाना चाहिए। बाद बाकी आप अपने एरिया वाइज देख लीजिए, प्राइस का हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिले। अब मैं बात करता हूँ कि प्रोडक्ट लेना ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि प्रोडक्ट लेने के पहले अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करें, विदाउट डिस्कशन प्रोडक्ट परचेस ना करें। तो मैं वैसा ही इस वीडियो में कहूँगा कि विदाउट डिस्कशन प्रोडक्ट परचेस ना करें, बट ये प्रोडक्ट मैं खुद से यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अब टाइम हो चला है हमें वीडियो से विराम लेने का। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।